नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पश्चिम बंगाल में बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली, इसमें कुल 43 मंत्री शामिल हैं। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। डॉक्टर अमित मित्र और ब्रात्य बसु समेत 3 मंत्रियों ने वर्चुअली शपथ ली। हालांकि विभाग बंटवारे पर फैसला बाद में किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां मौजूद रही। इससे पहले TMC नेता विमान बनर्जी को लगातार 3री बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी सहित कई नए चेहरों को मौका मिला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की इस टीम में 25 पुराने और 18 नए चेहरे शामिल हैं। इन 43 में से 9 विधायकों ने बतौर राज्य मंत्री शपथ ली। अमित मित्रा और 2 अन्य विधायकों ने वर्चुअली शपथ ली। मित्रा की तबीयत ठीक नहीं है। भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी, वहां पर T20 और वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। हालांकि इन दोनों सीरीज में इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय टीम जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल खेलने के बाद इंग्लैंड में ही रुकेगी और अगस्त में इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयारी करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, हमने सीनियर पुरुष टीम के लिए जुलाई में व्हाइट बॉल की सीरीज की योजना तैयार की है। टीम श्रीलंका में वनडे और T20 मैच खेलेगी। वनडे और T20 के लिए अलग टीम तैयार की जाएगी। इसमें इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अनोखी सजा दी जा रही है। पुलिस बेवजह घूमने वाले लोगों को ग्राउंड में ले जाकर 1 घंटे तक PT और योगा अभ्यास कराती है। इससे थककर चूर हुए लोगों को छोड़ देती है। यही नहीं, इसके लिए बकायदा PT टीचर भी नियुक्त किया गया है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लॉकडाउन में प्रशासन ने मॉर्निंग वॉक पर भी पाबंदी लगा दी है। ऐसे बाहर घूमते पाए जाने पर लोग तरह तरह के तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घूमने या एक्सरसाइज करने निकले थे। इस कारण पुलिस ने लोगों को सजा देने का अनोखा तरीका निकाला। बेवजह घूमने वालों के सामने पुलिस सजा के तौर पर 2 ऑप्शन देती है। पहला, दिन भर के लिए अस्थायी जेल या फिर 1 घंटे के लिए PT। कोरोना ने सरकार की कई योजनाओं पर पानी फेर दिया है। इससे जनगणना का काम भी अटक गया है। सरकार का प्लान था कि मई महीने में जनगणना के तहत घरों की लिस्टिंग का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन कोरोना से बिगड़े हालातों के कारण ऐसा नहीं हो सका। जनगणना पर 8,754 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये 2 चरणों में होना है। 5 मई से पहला चरण शुरू होना था, लेकिन महामारी के कारण 30 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इस दौरान ही अपडेट किया जाएगा। इस पर 3,941 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2022 तक हाउस लिस्टिंग और हाउस गणना होगी। साल 2022 में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशंस तैयार हो चुकी हैं। ऐप 16 भाषाओं में है। मोबाइल एप्लीकेशंस में निचले स्तर तक के जनसंख्या ब्लॉक की जियो टैगिंग की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में पिछले 14 महीने से सीतापुर जेल में बंद रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत बिगड़ गई है। वे अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ 1 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अभी तक उनका जेल में इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही SDM सदर अमित भट्ट और CO सिटी पीयूष कुमार सिंह समेत कई अधिकारी सीतापुर जेल पहुँचे। अफसरों के साथ आजम खान ने अकेले मेदांता आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि बेटे का भी इलाज मेदांता में हो, जिस पर अफसर तैयार हो गया, जिसके बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को लखनऊ ले जाया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण से सब परेशान हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। राज्यवासी भी अपनी ओर से संक्रमण का प्रसार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य में 18 से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बीच बिहार के CM नीतीश कुमार ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से राज्य के लोगों की सराहना की है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस आपदा से निपटने में बेहद धैर्य, अनुशासन और हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस के लोगों सहित सभी कोरोना योद्धाओं का हम पूरे बिहार परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोविड-19 से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में कहा कि पीआर एजेंसियों और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल मुंबई में संक्रमण के कंट्रोल होने का झूठा नैरेटिव प्लांट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बीएमसी पर कोविड-19 की मौतों को अन्य कारणों से मौत की श्रेणी में दिखाने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि मुंबई में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाया जा रहा है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ नए मंत्रिमंडल ने भी श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में शपथ ग्रहण की। इससे पहले रविवार को सर्वसम्मति से भाजपा और एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हिमंत का असम का 15वां मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। उधर पश्चिम बंगाल में बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इसमें कुल 43 मंत्री शामिल थे। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। डॉक्टर अमित मित्रा और बात्य वसु समेत 3 मंत्रियों ने वर्चुअली शपथ ली। हालांकि विभाग के बंटवारे पर फैसला बाद में किया जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। चीनी रॉकेट का मलबा आखिरकार मालदीव के नजदीक हिंद महासागर में आ गिरा। इसके गिरने से किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। चीनी मीडिया के मुताबिक रॉकेट का मलबा श्रीलंका और मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा है। रॉकेट के इस मलबे को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले चेतावनी जारी की थी। पेंटागन की ओर से दिए गए बयान में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी गई थी। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक रॉकेट का मलबा करीब 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। तेज रफ्तार के कारण ये पता लग पाना मुश्किल हो रहा था कि ये मलबा कहाँ गिरेगा। इस रॉकेट का नाम 2021-035B था, जो कि 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। खबरों के मुताबिक जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश किया, इसका बड़ा हिस्सा जल उठा और बाकी समुद्र में जा गिरा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम इलाके में स्थित लड़कियों के एक स्कूल के नजदीक हुए बम विस्फोट में अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में ज्यादातर 11 से 15 साल के बच्चे हैं, जिनमें बड़ी संख्या गर्ल्स स्कूल की छात्राओं की है। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमले के लिए तालिबान की एक घड़ी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तालिबान ने इस हमले की निंदा की है और इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यन के अनुसार घटना की जांच शुरू हो गई है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। जिस इलाके में विस्फोट हुआ उसमें बड़ी संख्या में शिया मुसलमान रहते हैं। इस लिहाज से शक आतंकी संगठन IS पर भी जा रहा है।